भाई आज की वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है। इस वीडियो में आपको 21 रैंडम फैक्ट्स मिलेंगे जो कि लिटरली आपको हिला कर रख देंगे, जैसे सांप और नेवले में दुश्मनी क्यों होती है और ओलंपिक के इन रिंग्स का क्या मतलब होता है और गर्मियों में आईफिल टावर की हाइट क्यों बढ़ जाती है। तो चलो भाई शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और हाँ, वेलकम बैक दोस्तों। नंबर 21, भाई शावर लेते वक्त ह्यूमंस ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब हम वार्म शावर लेते हैं तो हमारा डोपामिन फ्लो बढ़ता है और उस वक्त हम ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। आपने इस चीज को जरूर एक्सपीरियंस किया होगा, जब हम शावर लेते हैं तो हमें काफी ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। नंबर 20, भाई ह्यूमंस मुंह से सांस लेते वक्त नाक से सांस नहीं ले सकते और नाक से सांस लेते वक्त मुंह से सांस नहीं ले सकते। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि आप नाक और मुंह से एक साथ सांस नहीं ले सकते। वीडियो पॉज करो और इसे अभी ट्राई करो, आप सच में शॉक हो जाओगे। लेकिन हाँ, डॉग्स ऐसा कर सकते हैं। नंबर 19, भाई आज तक आपने कई वॉर्स के बारे में सुना होगा, पर क्या आपको पता है अभी तक की सबसे छोटी वॉर कौन सी थी? दरअसल ये वॉर 1896 में ब्रिटेन और जांजीबर में हुई थी और ये वॉर एंग्लो जांजीबर वॉर के नाम से जानी जाती है। और आप यकीन नहीं करोगे लेकिन ये वॉर सिर्फ 38 मिनट्स में ही खत्म हो गई थी। वाओ। नंबर 18, भाई आपने किटकैट चॉकलेट तो कई बार खाई होगी, पर क्या आपको पता है जापान में किटकैट के 200 से ज्यादा फ्लेवर्स मिलते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये सभी फ्लेवर्स अलग अलग रीजन्स, सिटीज और सीजन के हिसाब से बनाए गए हैं, जिनमें कुछ फ्लेवर्स तो सुनने में काफी अच्छे लगते हैं जैसे बनाना, ब्लूबेरी चीज केक और ओरियो आइसक्रीम, पर कुछ फ्लेवर्स सुनने में काफी अजीब भी लगते हैं जैसे बेक्ड पोटैटो, मेलन एंड चीज और वेजिटेबल जूस। सच में ये फ्लेवर्स काफी अजीब हैं। नंबर 17, भाई अगर आपको चलने का बहुत शौक है तो आप रशिया के मगदन से केप टाउन तक जा सकते हो। इस रास्ते का टोटल डिस्टेंस 14,000 मील्स है और ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट वॉकिंग डिस्टेंस है। जी हाँ दोस्तों, और इस पूरे रास्ते को आप बिना एरोप्लेन और शिप के भी कंप्लीट कर सकते हो। इस पूरे रास्ते में सिर्फ ब्रिजेस और ओपन रोड्स ही हैं। वाओ। नंबर 16, पूरी हिस्ट्री में आज तक का सबसे बड़ा एम्पायर ब्रिटिश एम्पायर रहा है। जी हाँ दोस्तों, 1920s में ब्रिटिश एम्पायर ने वर्ल्ड के 23% पॉपुलेशन को अपने अंडर कंट्रोल कर रखा था और अप्रोक्स 13.7 मिलियन स्क्वायर माइल्स की टेरिटरी पर कब्जा कर रखा था, जो कि वर्ल्ड के एक चौथाई हिस्से के बराबर थी। अनबिलीवेबल। नंबर 15, भाई ये वाला फैक्ट बहुत बहुत ज्यादा क्रीपी है। दरअसल नाथन बेलोफ की इसकी बुक स्ट्रेंज मेडिसिन के हिसाब से एंशियंट इजिप्ट में जब लोगों के दांतों में दर्द होता था तो वो लोग दर्द को कम करने के लिए अपने मुंह में मरा हुआ चूहा रख लेते थे। सच में भाई यकीन ही नहीं होता। नंबर 14, भाई ये जिराफ की नेक है और ये एक स्लॉथ की नेक है। अब मुझे बताओ इन दोनों में से किसकी नेक में ज्यादा हड्डियां हो सकती हैं? आपने पक्का जिराफ को सिलेक्ट किया होगा क्योंकि जिराफ की गर्दन काफी लंबी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, जिराफ की नेक में 7 वर्टेब्रा होते हैं और वहीं स्लॉथ की नेक में 10 वर्टेब्रा होते हैं। वाओ। नंबर 13, भाई क्या आपको पता है iTunes की काफी अजीब गरीब टर्म्स एंड कंडीशंस हैं? जी हाँ दोस्तों, जब आप iTunes की टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करते हो तो उसमें एक ये भी स्टेटमेंट होती है कि आप iTunes को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट कहता है कि यूजर iTunes को किसी भी तरह के न्यूक्लियर, मिसाइल, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स के डिजाइन और प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं कर सकता। नंबर 12, भाई USA में 4 कॉर्नर्स स्पॉट मौजूद है और आप इस स्पॉट पर खड़े होकर एक साथ 4 स्टेट्स पर खड़े हो सकते हो, क्योंकि ये स्पॉट एक साथ 4 स्टेट्स को जोड़ता है, उटाह, कोलोराडो, एरिजोना और न्यू मेक्सिको। नंबर 11, भाई हम दिन भर में काफी सारी गूगल इमेजेस को ब्राउज करते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल ने गूगल इमेजेस के फीचर को इन्वेंट ही क्यों किया? इसके पीछे काफी इंटरेस्टिंग रीजन है। दरअसल ईयर 2000 में जेनिफर लोपेज ने ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी थी और काफी सारे लोग उस इमेज को गूगल पर सर्च कर रहे थे, जिस वजह से सर्च इंजन ने इमेज फंक्शन को ऐड किया और वो ड्रेस ये थी। नंबर 10, भाई क्या आपको पता है ताजमहल में 16 गार्डन्स हैं और 53 फाउंटेन्स हैं? पर क्यों? क्योंकि ताजमहल 1653 में कंप्लीट हुआ था। वाओ। नंबर 9, भाई क्या आपको पता है जैसे अर्थ पर अर्थक्वेक्स आते हैं वैसे मून पर भी मूनक्वेक्स आते हैं, क्योंकि जब मेटियोरॉइड्स अर्थ के सरफेस से टकराते हैं तो टाइडल स्ट्रेस बनता है और मूनक्वेक्स प्रोड्यूस होते हैं। नंबर 8, भाई क्या आपको पता है एंशियंट इजिप्शियन फेरो रामसेस 4 की डेड बॉडी को जब मम्मीफाइड किया जा रहा था तो उनकी आईज को छोटी छोटी ऑनियंस के साथ रिप्लेस कर दिया गया था, क्योंकि वो लोग प्याज के छल्लों और परतों की पूजा करते थे और सोचते थे कि ये एटर्नल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 7, भाई आप यकीन नहीं करोगे लेकिन समर सीजन में आईफिल टावर की हाइट 15 सेंटीमीटर और बढ़ जाती है थर्मल एक्सपेंशन की वजह से। मतलब जब आयरन गर्म होता है तो उसके पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं और ज्यादा स्पेस लेने लगते हैं, जिस वजह से आयरन एक्सपेंड करता है और आईफिल टावर की थोड़ी सी हाइट बढ़ जाती है। नंबर 6, भाई आपने ओलंपिक रिंग्स को तो कई बार देखा होगा, पर ये रिंग्स क्या सिंबलाइज करती हैं? चलिए जानते हैं। ओलंपिक के सिंबल में 5 रिंग्स होते हैं जो कि इक्वल साइज के होते हैं और ये रिंग्स ओलंपिक मूवमेंट की एक्टिविटी को एक्सप्रेस करते हैं और 5 कॉन्टिनेंट्स के यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। नंबर 5,
5। भाई पूरे वर्ल्ड में हर एक सेकंड में दो लोगों की डेथ हो जाती है और वहीं हर एक सेकंड में चार बच्चे जन्म लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अगर बात करें पूरे दिन की तो एक दिन में 1.5 लाख लोगों की डेथ हो जाती है, वहीं 360,000 बेबीज बॉर्न होते हैं। नंबर 4, भाई ये वाला फैक्ट आपको सच में हिलाकर रख देगा। एक ब्लू व्हेल की टंग का वेट 3 टन होता है। जी हाँ दोस्तों, लगभग एक एलिफेंट के बराबर। वाओ। नंबर 3, भाई आप यूएसए के इन दो स्टेट्स पेंसिल्वेनिया और कोलोराडो को तो जरूर जानते होंगे, पर क्या आपको पता है पेंसिल्वेनिया का हाईएस्ट पॉइंट कोलोराडो के लोवेस्ट पॉइंट से भी कम है? नहीं समझे, कोई नहीं, फिर से बताता हूँ। दरअसल पेंसिल्वेनिया में एक पॉइंट है माउंट डेविस, जिसकी हाइट है 3213 फीट, और ये पेंसिल्वेनिया स्टेट का हाईएस्ट पॉइंट है। वहीं कोलोराडो में एक रिवर है आरिकारी रिवर, जो कि कोलोराडो स्टेट का लोवेस्ट पॉइंट है, और इसकी हाइट है 3315 फीट। मतलब कोलोराडो का लोवेस्ट पॉइंट हाइट में पेंसिल्वेनिया के हाईएस्ट पॉइंट से भी ज्यादा है। वाओ। नंबर 2, टीथ हमारे बॉडी का एकमात्र ऐसा पार्ट है जो अगर डैमेज हो जाए तो खुद को हील नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दांत इनेमल से कोटेड होते हैं और इनेमल लिविंग टिश्यू नहीं है। नंबर 1, भाई आपने कई बार सुना होगा कि सांप और नेवले के बीच दुश्मनी होती है, और आपने कई बार इन दोनों को लड़ते हुए भी देखा होगा, पर भाई रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। सांप और नेवले के बीच कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं होती। दरअसल नेवले ओमनीवोर्स होते हैं और वो मीट और वेजिटेबल्स दोनों खा सकते हैं, पर नेवले छोटे जानवरों को खाना ज्यादा पसंद करते हैं, जैसे कि बर्ड्स, रेप्टाइल्स और फिश वगैरह। और वहीं स्नेक्स कार्निवोर्स होते हैं और वो भी दूसरे जानवरों को खाना पसंद करते हैं, जैसे कि माउस, बर्ड्स और रैबिट्स वगैरह। और जब ये दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो एक दूसरे को अपना खाना समझते हैं और एक दूसरे को मारकर खाने के लिए लड़ते हैं। मोस्टली टाइम नेवला सांप को मार देता है क्योंकि नेवला काफी फास्ट होता है, पर कभी कभी नेवला भी मर जाता है क्योंकि लड़ते वक्त कभी कभी सांप नेवले को काट लेता है, जिससे नेवले की डेथ हो जाती है। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में।